प्रकाश पर्व के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। बाल सभागार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर जन कल्याण के कार्य करने का संकल्प लिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। बिहार के पटना में जन्मे गोविंद सिंह जी एक योद्धा, कवि और दार्शनिक थे, जिनके विचारों और शिक्षाओं की पूजा सिख समुदाय करता है। बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो पर माल्यार्पण कर और हलवे का प्रसाद वितरण कर बड़े ही धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती में हमें आज बहुत खुशी है। एक ऐसी रूह परमात्मा ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने भेजी थी, जब जब धरती में अत्याचार, जुर्म, क्रूरता, धर्म नष्ट और इज्जत आबरू लुट रही थी, तो उस समय ऐसे हालात में उनका यहाँ आके अपना जीवन का बलिदान करना, अपने परिवार का बलिदान करना और प्रेरित करना और सब कुछ सहन करते हुए एक ईश्वर शक्ति को ना दिखाते हुए एक ऐसे वक्त में एक धर्म को बचाना जो कि द्वापर त्रेते से चल रहा था और वो अपना उन्होंने फर्ज निभाया और औरंगजेब को बाद में 40 पेज का जफरनामा लिख के दिया था और लास्ट में उसने कहा था कि तुमने पिछले जन्म की पूजा से तुम्हें राजा शासन तो मिला, लेकिन इस जन्म में जो तुमने पाप और जुर्म और क्रूरता किए हैं जिसका तू देनदार होगा और तू बीचों बीच में तुझे इसका दंड मिलता रहेगा। वो पढ़ने के बाद औरंगजेब ने कहा था मैं गुरु जी के दर्शन जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन गुरु जी ने कहा मैं तुझे दर्शन इसलिए नहीं दूंगा कि तेरे इतने अत्याचार जुर्मों के बाद भी कहीं तेरा उसमें ना हो जाए। उसके बाद वो अपने पश्चाताप करते हुए अंदर से ही अंदर पिसने लगा और अंदर ही अंदर से अंदर उसकी आत्मा उसको कोसने लगी और उसने कहा मैं गुरु जी का दक्षिण में जाके गुरु जी चले गए थे, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, लेके गया था रास्ते में रुकते रुकते। जब वो औरंगाबाद पहुँचा गुरु जी ने कहा तू मेरे पास नहीं आ सकता और तू इसलिए वहाँ पर ही एक शक्ति ने उसको वो बीमार हो गया। औरंगाबाद में उसकी आज देखिए उसकी जहाँ भी वो है वो बनाई हुई है उसमें भी आज कोई भी नहीं जाता और गुरु जी के बलिदानों में लाखों करोड़ों लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी में भी ये सारे सब कुछ आया है। कुल मिला के सच्चाई की जीत, धर्म की जीत और ऊपर से जो शक्ति है उसकी जीत होती है। हम प्रेरणा लेते हैं और हमेशा उनके आदेशों का अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। मैं बार एसोसिएशन की तरफ से भी सबकी तरफ से जो है आज गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर सबको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि हम उनके आदर्शों पे हमेशा चलते रहेंगे। जो उन्होंने अपने समय में कार्य किए हैं, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपना सर्वस्व दान कर दिया केवल धर्म की रक्षा करने के लिए, ऐसे महापुरुष का जीवन जो है हर एक को अपने जीवन में संग बनाना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। आज हमारे काशीपुर बार एसोसिएशन में 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया और हम सब लोग उनके बहुत ऋणी हैं। उनकी वजह से आज हम लोग सारे सनातनी यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हम लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहेंगे, सदैव एकजुट होकर के हिंदू समाज को, सनातनी समाज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।